क्लास, यहाँ हम 11th क्लास NCERT के लेसन नंबर 13 हाइड्रोकार्बन के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 14th वीडियो लेक्चर है। 13 वीडियो लेक्चर्स तक हमने सारे के सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 13.16 तक डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.17 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि वह कहता है कि राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन, इसका नाम ऑर्थोजाइलिन भी है। हाउ डज द रिजल्ट सपोर्ट कैलकुलेट स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। तो सामने आप ग्रीन बोर्ड पर 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन या ऑर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर बना हुआ देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन में वह ये कहना चाहता है कि जब आप 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन की ओजोनोलिसिस करेंगे तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे और ये प्रोडक्ट किस प्रकार से कैलकुले द्वारा दी हुई बेंजीन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। तो सामने आप ग्रीन बोर्ड पर 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन के दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए देख रहे होंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड का डिफरेंस है, यहाँ पर CH3 CH3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर CH3 CH3 के बीच में डबल बॉन्ड है। वास्तव में ये जो ऑर्थोजाइलिन या 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन होती है वह इन दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होती है, जिसको इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। तो हम इस वाले स्ट्रक्चर को और उसके बाद इस वाले स्ट्रक्चर को हम ओजोनोलिसिस करेंगे और बनने वाले प्रोडक्ट की स्टडी करेंगे और किस प्रकार से वो बनने वाले प्रोडक्ट कैलकुले द्वारा दी हुई बेंजीन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट का ओजोनोलिसिस करने के बाद हम उस बनने वाले प्रोडक्ट का हम ZN के द्वारा हाइड्रोलाइसिस करेंगे और बनने वाले प्रोडक्ट को देखेंगे। आपको मालूम है कि ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच बनने वाला बॉन्ड ये ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने के पश्चात यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगी। आप देख सकते हैं ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है यह आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और इनसे CH3 CH3 अटैच है। तो यहाँ पर हमने CH3 और कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 लगा दिया और जहाँ पर ब्रेक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक हुआ है वहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये कार्बन और इससे लगने वाला एक हाइड्रोजन और ये कार्बन और इससे लगने वाला एक हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से यहाँ पर CHO सिंगल बॉन्ड CHO ये प्रोडक्ट मिल जाएगा और यहाँ पर ये कार्बन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस प्रकार से दूसरा प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो जाएगा CHO सिंगल बॉन्ड CHO। तो जब हमने इस फर्स्ट स्ट्रक्चर का ओजोनोलिसिस किया तो हमको ब्यूटेन 2,3 डाई ओन का एक मॉलिक्यूल और ग्लाइऑक्सल के दो मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। आइए सेकेंड स्ट्रक्चर का ओजोनोलिसिस करने के बाद हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो यहाँ पर जो ये 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन का सेकेंड स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, इस प्रकार से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पर कार्बन उसके साथ CH3 और ये कार्बन और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस प्रकार से हमको प्रोडक्ट प्राप्त होगा CH3 जहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होती है वहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है और ये CHO। इसी प्रकार से यहाँ पर ये CH3 CCH3 और ये वाला कार्बन CHO, तो इस प्रकार से ये CH3 C डबल बॉन्ड O CHO और यहाँ पर ये वाला कार्बन उसके साथ डबल बॉन्ड लग जाएगी और ये वाला कार्बन उसके साथ डबल बॉन्ड बन लग जाएगी CHO सिंगल बॉन्ड CHO। तो जब हम सेकंड स्ट्रक्चर का ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमको 2 मोल 2 ऑक्सो प्रोपेनॉल और 1 मोल ग्लाइऑक्सल का हमको प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब ऑर्थोजाइलिन का जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल ग्लाइऑक्सल और जो फर्स्ट स्ट्रक्चर के ओजोनोलिसिस से मिले थे प्रोडक्ट ब्यूटेन 2,3 डाईओन
और ग्लाइऑक्सल ये बेंजीन की कैकुले संरचना को सपोर्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.18 की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 13.18 में वह कहता है कि अरेंज बेंजीन एन हेक्सेन इथाइलीन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर, आल्सो गिव रीजन फॉर दिस बिहेवियर। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा और पढ़ा कि क्वेश्चन में वह ये कहना चाहता है कि बेंजीन एन हेक्सेन और एथाइन में से कौन ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा और उसका क्या रीजन है। तो यहाँ पर इन तीनों में हमको एसिडिटी ज्ञात करनी है और तीनों ही यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एसिडिटी उनमें पाए जाने वाले हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करती है। हम जानते हैं कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है, जबकि यहाँ पर हेक्सेन में प्रत्येक कार्बन जो है वह sp3 हाइब्रिड है, जबकि एथाइन में प्रत्येक कार्बन sp हाइब्रिड है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम यहाँ पर s करैक्टर निकालने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s करैक्टर 25% होता है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल 4 हैं, 3 s ऑर्बिटल और 1 s ऑर्बिटल। इन 4 ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल s का है, इनटू 100% 25% s करैक्टर आया, जबकि sp2 में s करैक्टर 33.3% आता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल्स जो हैं 3 हैं, 2 p के ऑर्बिटल और 1 s का ऑर्बिटल। इन 3 ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल s का है, तो 1/3 इनटू 100 33.3% यहाँ पर s करैक्टर है, जबकि sp हाइब्रिडाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2 हैं, जिसमें से एक s ऑर्बिटल है, तो 1/2 इंटू 100 50% s करैक्टर है। तो हम कह सकते हैं sp3, sp2 और sp संकरण में सबसे ज़्यादा s करैक्टर sp हाइब्रिडाइजेशन का होता है। तो जिस मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा वह सबसे अधिक एसिडिक नेचर का होगा। तो हम कह सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज मोर एसिडिक देन बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि एथाइन के कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पर हेक्सेन सबसे कम एसिडिक नेचर का होगा क्योंकि उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।